लगता है, इसी से अच्छा लग रहा है। हाँ चलेगा चलेगा, बस लग रहा है। नहीं नहीं -100 है यार, हमको नचा रहा है ये। तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग आए हैं मैसूर पैलेस के बेंगलोर में, इधर पे विजिट करने आए हैं। मैं मेरे दोस्तों के साथ हूँ और ये लोग काफी सारी बकचोदी करते हैं। हेलो गाइस, बहुत मजा आ रहा है हम लोग को, बहुत ही अच्छा कैमरा पैलेस बना, काफी बकवास है जिसको वीडियो निकालने नहीं आती है। तो अगर वीडियो अच्छी नहीं बने तो उसको आप जी भर के गाली दे सकते हो। बहुत ही अच्छा, यहाँ पे फुटवेयर अलाउ नहीं है, तो यहाँ हम लोग लाइन लगा के अभी चप्पल निकाल के यहाँ जमा करा देंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे। आगे के ब्लॉग में मैं आपको बताता हूँ। वी हैव कम, यू कैन सी सो मेनी क्राउड हियर एंड मेरे दो चार जो ऑडियंस है उसको सिर्फ हिंदी आती है, तो स्पीक इन हिंदी। ये यहाँ पे पैलेस एंट्री के गेट पे आए हम लोग, इसको बोलने नहीं जब रहा है, मैं बोल देता हूँ। एक्चुअली इधर पे हम लोग ने फुटवेयर अलाउड नहीं है, तो हम लोग ने इधर से टिकट लिए, पर पर्सन 2 रुपया है, तो 6 रुपया हमारा लग चुका है और हम लोग ने अपने चप्पल जमा कर दिए। और ये जो 6 रुपये हम क्लेम करेंगे अपनी कंपनी में और रिटर्न लेंगे उनसे। ओके, आगे का अपडेट हमें थोड़ी देर बाद आपको। सी यू सून का मतलब हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, और हमारा दोस्त वो जो चप्पल रखने गया वो भी जल्दी आएगा। प्रशांत हमारा आ गया है, चप्पल रखने गया था, 6 रुपये हम लोग ने खर्चा किया है चप्पल पे। अभी गाइड भी लेने गए, पर पर्सन 100 रुपया लग रहा है, 300 रुपया है, लेकिन प्रशांत कह रहा है मेरे पास 1 भी रुपया है नहीं, तो हम लोग उसका 50-50 भरेंगे। चलो दैट्स गुड। और गाइड का जो फी है वो अगर 5 बंदे है तो उसका 300 रुपये है। 3 बंदे का 300 है ना भाई? नहीं, 5 बंदे का 300 रुपये है, तो उसके लिए तो कैलकुलेटर लगेगा हमें कैलकुलेट करने के लिए। पर पर्सन 300 रुपये की बात आ गई तो हम लोग ने डिसाइड किया गाइड नहीं लेते हैं, हम ही गाइड बनेंगे। इधर नहीं, गूगल नहीं करेंगे, इधर देखेंगे जो गाइड लिया उसके पीछे पीछे हम चलने लगेंगे और हम अपना गाइड का पैसा बचाएंगे। ऑडियो गाइड भी है यहाँ पे, वो भी दिखा, ऑडियो गाइड है, स्टेप टू डाउनलोड। मोबाइल रख दे, ब्लॉग खराब कर रहा है तुम लोग का। हम लोग मैसूर पैलेस के अंदर आ चुके हैं। चालू है। बोलो तुमको क्या बोलने का, कुछ नहीं बोलना, तो मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं बोलना है। पीछे आप देख सकते हैं, नहीं दिख रहा, यहाँ पीछे आप देख सकते हैं भिन्न भिन्न प्रकार की कलाएं रखी हुई है, जिससे आपका मन आकर्षित हो जाएगा और आप भावुक होकर रोने लगेंगे। मेरा दोस्त तो इमोशनल हो गया था, देखो रो रहा, एक्टिंग कर रहा है। हाँ, हम लोग बीच रास्ते में खड़े हुए लोग, यहाँ से तोप, यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने के तोप रखे हुए हैं जो अभी यूज नहीं कर सकते हम। और मेरा दोस्त उंगली करते हुए, आप भी कुछ बोलिए, ऐसा बोलने का ऐसा फालतू में व्लॉग में मत आइए, कुछ बोलना पड़ेगा। आई एम जस्ट वीडियो एक्टर, नॉट ऑडियो, बट ही इज नॉट लुकिंग लाइक वीडियो एक्टर। तो फाइनली हमें एक गाइड मिल गया, मतलब चोरी वाला गाइड, जो हमारा गाइड नहीं दूसरे का, हम उसके पीछे खड़े, पीछे देख सकते हो अभी उसके सूत्रों से हमें पता चला जो पीछे की हाथी है उसका स्किन ओरिजिनल है, टीथ आर्टिफिशियल है, ये गाइड ने हमें बताया है, दूसरे के गाइड ने दूसरे को बताया और हमने चुपके से सुन लिया। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे जो है वो गाइड है और हम चुपके चुपके उसका पीछा कर रहे हैं, आप भी सुन सकते हैं। और यहाँ मेरे दोस्त लोग हैं जो बात बात में थक जा रहे हैं और आराम कर। ये इनसाइड व्यू है यहाँ का मैसूर पैलेस का, अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत, पीछे देख सकते हैं वो हमारा गाइड हो गया तो हमें दूसरे गाइड को पकड़ लिया। ये फॉरनर लोग को बता रहा है, इंग्लिश में बोल रहा है, आप लोग को समझेगा नहीं। अरे अमित इधर देख, देखो इतना हाईलाइट कर रहा हूँ मैं मेरे ब्लॉग में, चालू ही है, चालू है, पीछे गाइड देखो, बता रहा है कि यहाँ पे ये राजा ने शादी की है। शादी के बाद क्या किया था वो बताओ, ऑडियंस को उसमें इंटरेस्ट है। रूम में जाना पड़ेगा राजा के बेड, तुमको रूम, राजा के रूम में तुमको क्यों जाना पड़ेगा वो बताओ। अरे जो कुछ किया था फिर वो तुम्हारे साथ करेगा, दिख रहा है आपको, तो कब का है ये 1800 सेंचुरी का, तो हमें अभी पता चल गया कि वो जमाने में भी इलेक्ट्रिक फैन हुआ करता था, कि हाथ से हिला देते थे।
शायद से हवा से चलता था। अरे अगर हवा आती तो फैन क्यों लगाते यार? That is the key. मेरा दोस्त अभी नशे में है, उसकी बातें मत करिए। अभी अभी हमको पता चला है कि गाइड ने इसका साउंड थोड़ा कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया। अभी हम लोग अभी अभी एक खबर मुझे मिली है गाइड से, मैंने चोरी किया हुआ है कि यहाँ पे एक गोल्ड का सिंहासन रखा गया है, उसका जो वजन है वो अराउंड 150 kg के आसपास है और वो फर्स्ट फ्लोर पे, तो हम लोग प्लानिंग करते हैं कि वो कैसे चुराए। अरे ये सब अफवाह, पहला चोरी हो जाएगा अपने ऊपर केस हो जाएगा, केस हो जाएगा। हम लोग हमें ये वर्ड वापस ले लेते हैं, अगर होता है तो इसको ही पकड़ना। मेरे दोस्त है प्रशांत कोल्हापुर से बेसिकली, एंड उनको ऐसा लगता है कि अगर वो राजा के फैमिली के साथ फोटो निकाल लेंगे तो नहीं वो क्या बोल रहा है, राजा की फैमिली के साथ फोटो लेना है। बच्चा मेरे जैसे क्या पता उसने तुमको कुछ किया हो। अभी स्टार्ट हुआ, बोलो प्रशांत। ये साइड वापस आ गए, आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे कुछ लेटर्स रखे हुए जो पहले के जमाने में राजा रानी को पटाने के लिए भेजता था। नहीं, अरे वो एक राजा दूसरा राजा को भेजता था। राजा को क्यों भेजेगा, राजा रानी को भेजता था। जो करंट राजा रहे उसके नीचे है, तो करंट राजा के अफेयर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे करंट राजा रहते हैं। 2016 में इनका शादी हुआ था। अच्छा, इन्होंने ये पहले उसको डिजाइन किया था, फिर इनका ये पुनर्जन्म है। और फ्रेंड अमित, अमित इज नॉट देयर, सो अमित के आत्मा को शांति दो। या हमें जल्दी बहुत ही अफसोस हुआ, बनाने का प्लानिंग करेंगे। हमें बहुत अफसोस है कि हमारा दोस्त हमारे साथ अब नहीं रहा, कहीं खो गया है वो इन हसीन वादियों में। हसीन वादिया वो कुछ तो ट्राई कर रहा था राजा की रानी के साथ कुछ करने का, तो राजा ने उसका गेम बजा दिया। तो फाइनली हमें अमित मिल गया, तो इट्स सो सैड वी मीट हिम अगेन, और हम अपनी श्रद्धांजलि वापस ले रहे हैं। तो हमें जरा भी अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात का है कि ये बच गया। अभी हम लोग हैं एग्जिट गेट पे और हम लोग यहाँ से अपने शूज कलेक्ट करेंगे। जो आपको हमने ब्लॉग में स्टार्ट में बताया था 6 रुपया पर पर्सन, 2 रुपया लिए थे, होप सो हमारे पहचान में उसको संभाल के रखा होगा, और होप सो हमारे वो पैसे भी रिफंड हो जाए। फोटो हो रहा है। अगले ब्लॉग में हम लोग मिलते हैं, हम लोग शायद और कुछ एक्सप्लोर करें मैसूर में। थैंक यू।